मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट शानी और सभी को मेरे चैनल शानी लाख पर बुक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग रोज पढ़ते हैं, हम लोग फिलहाल तो फंडामेंटल राइट को कॉम्प्लीट कर रहे हैं, तो आज भी हम लोग उसी को पढ़ेंगे। आज हम लोग एक नया आर्टिकल को देखेंगे। कौन सी आर्टिकल? कल हम लोगों ने 23 आर्टिकल को देखा था, तो आज हम लोग उसकी नेक्स्ट यानी 24 आर्टिकल को देखेंगे। इस आर्टिकल में क्या है? प्रोहिबिट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कल हम लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को किस तरीके से प्रोहिबिट कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी आर्टिकल है, उसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि चिल्ड्रन को जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट में लगाया जाता है, यानी जो मैंने कल आप लोगों को बोला था कि छोटे छोटे बच्चे को बेगर की तरह काम कराया जाता है, तो उसी तरह की जो काम है इससे किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे को बचाया जा सके, इसके लिए कौन सी चीजें है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सी एक्ट बनाया गया है, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, आज की जो आर्टिकल है वो छोटा ही है, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की आर्टिकल में हम लोग क्या क्या जान पाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज की आर्टिकल को। आज की आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम लोग हर दिन करते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसकी एक्चुअल बेसिक फीचर्स क्या है। देखो, हम लोग सब क्या देखते हैं फ्रेंड्स, कि छोटे छोटे जो गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, उन लोगों को फैक्ट्री में या बड़े बड़े जगह पर या हम लोग अगर भी इस तरीके का जो बच्चे होते हैं उनको लगाया जाता है। मेघालय में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, रेड होल माइनिंग होता है, तो वहां पर क्या क्या होता है, जो कोयले का जो खदान होता है ना, वहां पर बच्चे लोगों को उस तरह की माइन में एंट्री कराया जाता है, ताकि वो लोग वहां से कोयला को उठाकर ले आ सके, यानी कोल माइन जो होता है। तो इस तरह की जो काम होता है, एक तो इलीगल काम है और सेकेंड है, इसे वो जो छोटे बच्चे हैं उसका हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस तरीके का काम से, इस तरीके का जो इलीगल काम होता है उससे इस बच्चे को हम लोगों को बचाना होगा। तो इसके लिए ही आर्टिकल में आर्टिकल 24 लिखा गया है, पूरा ही पूरा इस तरीके के जो चिल्ड्रन है, इस चिल्ड्रन को ये जो इलीगल काम से उस चिल्ड्रन को हम लोग बचा सके, इसके लिए ही आर्टिकल 24 पूरा डेडिकेटेड है चिल्ड्रन के लिए। तो चलिए आज हम लोग उसी को ही डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे प्रोहिबिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, जो फैक्ट्री में जो चिल्ड्रन लोग काम करते हैं उनको बचाना होगा, इसके लिए आर्टिकल 24 डेडिकेटेड है। ठीक है, तो चलो आई होप आप लोग सब क्लियरली देख पा रहे हो। देखो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 24। देखो एट फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आर्टिकल 24 प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 14 इयर्स इन फैक्ट्री माइन एंड द अदर हैजर्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क एंड द रेलवे। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है इस तरीके का, यानी ये जो काम है, जिस तरीके का काम इन बच्चे से कराया जाता है, इस तरीके का काम को प्रोहिबिट करना होगा। और एज कहाँ कितना दिया हुआ है? एज है बिलो 14, यानी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे भी छोटा जो बच्चा होता है उन लोगों से इस तरीके का काम, इलीगल काम करवाया जाता है। कहाँ पर? देखो, फैक्ट्री में, माइन में, मैंने बोला मेघालय में जो रेड होल माइनिंग होता है, यानी जो कोल की जो माइनिंग होता है, वहां से उस तरीके का जो काम है, जो डेंजरस जो काम है, जो हैजर्डस काम है, इस तरीके का काम बच्चे लोगों को देकर करवाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ही यहाँ पर बोला है चिल्ड्रन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स के जो नीचे के जो बच्चे हैं, कहाँ पर लोग काम करते हैं? फैक्ट्री में, माइन में, अदर हैजर्डस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं ना, हम लोग देखते हैं वहां पर भी जो बच्चे लोगों को देकर काम करवाया जाता है। उसके बाद जो रेलवे है वहां पर भी बच्चे लोगों से काम करवाया जाता है। तो इस तरीके का जो काम है इसको भी प्रोहिबिट करना होगा, और इसके लिए जो आर्टिकल बनाया हुआ है वो है आर्टिकल 24। इसके लिए ही यहाँ पर बोला है कि आर्टिकल 24 प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन फैक्ट्री माइन एंड
other hazardous activities like construction, work, railway, etc. उसके बाद क्या है, but it does not prohibit their employment in any harmless or innocent work. जो इस तरीके का जो काम होता है, यहाँ से तो उन लोगों को प्रोहिबिट करवाया जा रहा है, लेकिन वो लोग काम कर सकते हैं कहाँ पर, जहाँ पर कोई हार्मलेस काम हो या कोई इनोसेंट जो वर्क होता है वहाँ पर बच्चे लोग काम कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सीरियल में बहुत छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, आप लोग भी देखोगे, हम सब ने देखा कि सीरियल में बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग काम करते हैं, तो इस तरीके का जो काम होता है इसे हम लोग हार्मफुल वर्क में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग तो एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए वो एक इनोसेंट काम होता है और एक हार्मलेस काम भी होता है, तो इसके लिए सीरियल में जो बच्चे लोग काम करते हैं उसे हम लोग हार्मफुल काम नहीं बोल सकते, तो उसे हम लोग इस तरीके का जो काम है इससे हम लोग उसे अलग रखेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अगर आप लोग सपोज करो कि अगर आप लोगों के यूपीएससी में इस तरह की कोई क्वेश्चन आ जाए कि जो सीरियल में जो लोग काम करते हैं, जो बच्चे लोग काम करते हैं, क्या वो हार्मफुल एक्टिविटीज होगी, डिस्कस करो, तो उस समय आप लोग थोड़ा बहुत तो लिख सकते हो कि हाँ हम लोग इसे नहीं बोल सकते कि ये हार्मफुल एक्टिविटीज है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग देखो कि जो छोटे छोटे बच्चे, ये मेरा ओपिनियन है, मैं बोलती हूँ, लेकिन आप लोगों की ओपिनियन शायद अलग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे सीरियल में काम करते हैं वो लोग भले ही बहुत सारे इनकम कर रहे हैं इस छोटे एज से ही, लेकिन इस समय उन लोगों का स्कूल जाने की टाइम है फ्रेंड्स, वो लोगों को दोस्त बनाने की समय है, वो लोग जाएंगे, वो लोग स्कूल में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों की पेरेंट्स उन लोगों को लेकर सीरियल में उनको एक्टिंग करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों से बहुत सारे इनकम हो रहे हैं उनकी फैमिली का, हो सकता है उनकी फैमिली बोलेगी मेरा बच्चा तो एक्टिंग करना पसंद करता है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसे एक्टिंग में लाए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअली आप लोग देखो वो छोटे छोटे बच्चे की लेकिन बहुत सारे इनकम कर रहे हैं, तो बेसिकली मोटिव क्या होता है, वो इनकम भी होता है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों की ओपिनियन शायद अलग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके का जो काम है इसे इतने छोटे एज के बच्चे को सीरियल में दिलाना, उसके बाद सीरियल करवाना, फिर जाके बड़े होके वो एक्ट्रेस एक्टर बन सकता है, लेकिन फ्रेंड्स जिस समय उस छोटे छोटे बच्चे को स्कूल जाने की टाइम है उस समय उस बच्चे को देखकर एक्टिंग करवाना, ये मुझे ठीक नहीं लगता, ये मुझे गलत लगता है। तो अगर आप लोगों के क्वेश्चन में, अगर यूपीएससी के मेंस में इस तरह की कोई क्वेश्चन आ जाए कि जो बच्चे सीरियल में काम करते हैं क्या उसको हम लोग हार्मफुल एक्टिविटीज में डाल सकते हैं, तो आप लोग इसे बोल सकते हो कि हम लोग इसे हार्मफुल एक्टिविटीज नहीं बोल सकते, लेकिन हमें लगता है कि इतने छोटे उम्र में बच्चे को एक्टिंग करवाना ये ठीक नहीं है, इस समय उसका ग्रोथ का पीरियड है, उसका डेवलपमेंट का पीरियड है, इस समय वो स्कूल जाएगा, उसको तो सीखना होगा ना, उसको तो एजुकेशन नॉलेज की जरूरत है, तो पहले वो स्कूल पीरियड खत्म कर ले फिर जाके वो सीरियल में आ सकता है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतना छोटा बच्चा आप लोग देखोगे, कभी कभी तो बहुत छोटा बच्चा होता है, जो माइथोलॉजिकल जो सीरियल होती है वहां पर आप लोग देखोगे जो बच्चे काम करते हैं, जो कृष्ण भगवान बनते हैं, जो हनुमान जी बनते हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों को देकर सीरियल करवाया जा रहा है, तो बेसिकली मुझे ये ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो बहुत सारे बात हो गई, तो लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला है, इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन, क्या है फ्रेंड्स, कौन सी है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है फ्रेंड्स, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ लॉ है, इतना सारा लॉ आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि अगर प्रीलिम्स में इस तरीके का कोई एक्ट देके पूछा जाए कि ये जो एक्ट है ये किससे रिलेटेड है, तब आप लोग इसे रिलेट कर पाओगे, जो प्रोहिबिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज इससे रिलेटेड है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर और भी जो जो एक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट क्या है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट
लॉ है, लेकिन उसके साथ 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 और क्या है, वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, देन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसके बाद डिमांड माइंस एक्ट 1952, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट एंड देन द मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट 1951 एटसेट्रा। तो क्या क्या हुई, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, फैक्ट्रीज एक्ट 1942, माइंस एक्ट 52, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट एंड देन मोटर ट्रांसपोर्टेशन एक्ट एटसेट्रा। तो ये कुछ हो गया, इससे एडिशन जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट जो 1986 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इस तरह की ही बहुत सारी एक्ट हुई थी। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक तो समझ चुके हो। तो चलिए अब हम लोग इसकी नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसके बाद और क्या है। देखो यहाँ पर क्या है कि 1996 सुप्रीम कोर्ट डिरेक्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड इन व्हिच ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर शुड डिपॉजिट ए फाइन ऑफ 20,000 रुपीज फॉर ईच चाइल्ड एम्प्लॉयड बाय हिम। क्या है, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ए डायरेक्शन दिया क्या कि एक फंड बनाना होगा, कौन सी फंड, जिसकी नेम होगी चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड। ठीक है, तो इस फंड का काम क्या होगा, इस फंड में वो लोग जो छोटे छोटे बच्चे को देकर काम करवा रहा है उसको फाइन भरना पड़ेगा। कितना फाइन, ईच चिल्ड्रन के लिए, सॉरी ईच चाइल्ड के लिए 20,000 रुपए करके फाइन में देना होगा। ये एक ऑफेंडर जो इस तरह की काम किया है उसको फाइन भरना होगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इन 1996 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड इन व्हिच ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर शुड डिपॉजिट ए फाइन ऑफ 20,000 रुपीज फॉर ईच चाइल्ड एम्प्लॉयड बाय हिम। तो जो लोग इस तरह की काम करवाएंगे छोटे छोटे बच्चे को देकर, वो लोग फंड में फाइन भरेंगे हर एक बच्चे के लिए 20,000 के रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट ऑल्सो इश्यू डायरेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और भी एक चीज इशू किया, क्या एक डायरेक्शन इशू किया कि हमें देखना होगा कि इस तरह की जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों का हेल्थ कैसे अच्छे हो, हेल्दी फूड वो लोग पा रहे हैं या नहीं, यानी न्यूट्रिशनल फूड वो लोगों को दिया जा रहा है या नहीं, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, इन सब के बारे में भी हम लोगों को देखना होगा। तो इसके लिए ही यहाँ पर बोला है, इट ऑल्सो इशू डायरेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, उसके बाद क्या है, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 वाज इनएक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ए नेशनल एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एंड चिल्ड्रन कोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद एक कमीशन एक एक्ट तैयार किया, क्या, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट एक्ट 2005। तो ये जब इनएक्टेड हुआ तो किसके लिए, टू प्रोवाइड, क्या है, फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड स्टेट कमीशन। एक कमीशन होगी नेशनल में और एक कमीशन होगी स्टेट में, किसके लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट। ठीक है, एंड उसके साथ साथ चिल्ड्रन कोर्ट भी तैयार किया जाएगा, किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट में जो जो ऑफेंसेस हो रहा है उसकी एक स्पीडी ट्रायल के लिए अलग से चिल्ड्रन कोर्ट बनवाया जाएगा। कब ये तैयार हुई, एक कमीशन जब चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट आई थे तब ये बन के तैयार थी। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बातें, आई होप यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स आज की अभी तक बहुत ही इजी है, फिर भी मैं आप लोगों को जितना हो सके डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो चलो ये यहाँ तक हो गया है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं अब हम लोग इसके बारे में और क्या क्या जान पाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इन 2006 द गवर्नमेंट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक फार्म एंड वर्कर इन होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉप, फैक्ट्रीज, रिसोर्ट, स्पा एक्सेट्रा। 2006 में गवर्नमेंट बैन किया है हर एक तरह की जो चिल्ड्रन को
हम लोग जो काम कर रहे थे, देखो फ्रेंड्स आज भी हम लोग देखोगे बड़े बड़े लोगों के जो घर होते हैं ना वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नौकर की तरह काम करते हैं। ये टोटली बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने 2006 में। उसके साथ साथ जो हमारे होटल रेस्टोरेंट स्पा रिसोर्ट में जो छोटे छोटे बच्चे लोग वर्कर की तरह काम करते हैं उसे भी पूरा की पूरा बैन कर दिया है। कब? इन 2006 में गवर्नमेंट इसको पूरा बैन कर दिया है। उसके बाद क्या है, अब हम लोग देखेंगे चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट 2016, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, यानी जो 1986 में जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट था उसको अमेंड किया गया। कब? इन 2016। उसका नाम क्या है, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद क्या है, इट हैज बीन नेम्ड द प्रिंसिपल एक्ट एज द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इसका रीनेम किया रीनेम हुआ, उसका रीनेम क्या था, वो थी द प्रिंसिपल एक्ट एज द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। उसके बाद क्या है, द अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। यानी ये जो अमेंडमेंट तैयार होके आई, इस अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि जो 14 इयर्स के बिलो की एज की जो जो चिल्ड्रन है उसको देके किसी तरह की भी काम उससे नहीं करवाया जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर बोला है कि द अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बातें। तो चलो देखते हैं अब हम लोग इसके बारे में और क्या क्या जान पाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब हम लोग इस आर्टिकल की एकदम लास्ट पर आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखो, फर्दर द अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एडोलेसेंट इन सर्टेन हैजर्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। तो हम लोगों ने पहले जो अमेंडमेंट देखा उस अमेंडमेंट में क्या बोला गया, देखो अमेंडमेंट में ये बोला गया है कि द अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट, एडोलेसेंट मींस जो किशोर अवस्था में जो बच्चे लोग होते हैं 18 इयर्स के पहले, तो प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट इन सर्टेन हैजर्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो हम लोगों ने पहले डिस्कस ही किया है। उसके बाद क्या है, द अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर द ऑफेंडर्स। अब जो नया जो अमेंडमेंट आया उस अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होगी जो लोग इस तरह की इलीगल काम करेगा। इट इज एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months टू 2 years एंड फाइन ऑफ 2000। सॉरी फ्रेंड्स, जो पनिशमेंट दिया गया इसमें क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 months to 2 years की जेल हो सकती है और उसके साथ साथ 20,000 to 50,000 तक की फाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरी टॉपिक। हम लोगों ने 24 आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो आज की लेक्चर यहीं पर ही खत्म करती हूँ। मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है फ्रेंड्स कि हम लोग हर एक दिन एक एक आर्टिकल को लेके अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज मैं चलती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। और आप में से जो लोग मेरे और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप लोग बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हो। और चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।